हेलो एवरीवन वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ एच टी एम एल दिस इज़ द वेब इंजीनियरिंग कोर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द एच टी एम एल फ्रेम्स सो वट इज़ एच टी एम एल फ्रेम्स एच टी एम एल फ्रेम्स आर यूज़ टू डिवाइड योर ब्राउजर विंडो इन टू मल्टीपल सेक्शंस अगर आप अपने ब्राउज़र की विंडो पे मल्टीपल वेब पेजेस को शो करना चाहते हो तो आप एच टी एम एल फ्रेम्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे अगर एक पेज है पूरा इस पेज को मैं मल्टीपल पेजेस के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ या मल्टीपल सेक्शन के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ दैट मीन्स मैं अपने पेज को रोज़ में डिवाइड कर रहा हूँ अगर मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ दैट मीन्स मैं अपने पेज को फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ और हर सेक्शन के अंदर आप एक नया वेब पेज ओपन कर सकते हैं सो फ्रेम्स आर यूज टू डिवाइड अर ब्राउजर विंडो इंटू मल्टीपल सेक्शन ईच सेक्शन कैन लोड ए सेपरेट एच टी एम एल डॉक्यूमेंट एंड कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स इज नोन एज फ्रेम सेट सो नाउ वी विल सी एन एग्जाम्पल एज हाउ टू क्रिएट अ फ्रेम इन एच टी एम एल तो देखिए फ्रेम्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वी हैव टू क्रिएट फ्रेम सेट टैग सो दिस इज द एच टी एम एल हेड सेक्शन के अंदर आप टाइटल्स और बाकी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं देन यूज द फ्रेम सेट एट्रीब्यूट दिस इज फ्रेम सेट और दिस इज यूज टू डिवाइड यूअर पेज इंटू डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स अगर रोज में डिवाइड करना है तो इसका एट्रीब्यूट आपको यो यूज़ करना पड़ेगा रोज और इसको आपको वैल्यू देनी है कितने साइज के फ्रेम्स आपको बनाने हैं जैसे करंट विंडो साइज़ का अगर पहला फ्रेम मैं चाहता हूँ 10% परसेंट साइज़ का बने तो 10% परसेंट कॉमा सेकेंड आपका बने 80% परसेंट so सो 80 परसेंट एंड थर्ड 10 परसेंट This will create a section divider where first frame will be of 10% of the current window size and second frame will be of 80% current window size and so on सो ऑन अगर आप इसी में कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो तो इसमें रोज की जगह आपको यूज करना है सी ओ एल एस डेट इज कॉलम्स वन द फ्रेम सेट इज रेडी यू हैव टू एसोशिएट और क्रिएट फ्रेम्स इन ईच ऑफ द सेक्शन सो फ्रेम टैग

नेम इज इक्वल्स टू एफ टू सोर्स इज इक्वल्स टू एफ टू डॉट एच टी एम एल सो इन दिस वे यू कैन स्पेसिफाई डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स देन क्लोज दिस फ्रेम सेट तो अब इस पेज से क्या होगा इस पेज से आपके पास एक ऐसा डिवाइडर बन जाएगा जिसमें टॉप के ऊपर टेन परसेंट साइज का एक फ्रेम बनेगा और इसके अंदर किसका कंटेंट लोड होगा एफ़ वन डॉट एच टी एम एल का सेकेंड फ्रेम बनेगा एट्टी परसेंट साइज़ का इसके अंदर लोड होगा एफ़ टू डॉट एच टी एम एल थर्ड होगा टेन परसेंट का इसमें लोड होगा एफ़ थ्री डॉट

ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस वेब पेज आई वांट टू हैव सम्यूज़ जिस पर क्लिक करके इस कंटेंट के अंदर चेंजेस होंगे तो ये मेरा मेन्यू के लिए स्पेस होगा और ये मेरा कंटेंट का स्पेस तो एक तरह से एक वेब पेज बनाना है ये इस वेब पेज के अंदर दो फ्रेम्स बनाने एक में मेन्यू रहेगा और दूसरे में कंटेंट तो उसके लिए मैंने को तीन एच फाइल्स बनानी है एक एच फाइल्स तो जो पूरा वेब पेज होगा एक मेन्यू के लिए और एक कंटेंट के लिए तो आइए देखते हैं सबसे पहले एच जो मेन पेज की है उसको कैसे बनाते हैं उसके लिए मुझे फ्रेम सेट का एक एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा डायरेक्टली मैं फ्रेम सेट का ही लिख रहा हूँ कोड यहाँ पे सो यूज़ द फ्रेम सेट एट्रीब्यूट नाउ यू हैव टू डिवाइड द पेज इन टू कॉलम्स सो यूज कॉलम्स सपोज आई गिव इट ट्वेंटी परसेंट एंड एट्टी परसेंट तो दो कॉलम बनाए मैंने ट्वेंटी परसेंट साइज का और एट्टी परसेंट साइज़ का इन द फर्स्ट फ्रेम द वन विद द ट्वेंटी परसेंट साइज आई गिव द सोर साइज मैन्यू डॉट एच टी एम एल तो मैंने अपने पहले पेज पे सोर्स का दे दिया मेन्यू डॉट एच टी एम एल और इसका मैं नेम भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ इस फ्रेम का जो नेम है वो है मेन्यू तो पहला फ्रेम का नेम है मेन्यू और उसमें जो फाइल हमने एसोसिएट किया वो है मेन्यू डॉट एच टी एम एल सिमिलरली सेकेंड फ्रेम के लिए जो फाइल एसोशिएट कर रहे हैं हम वो आएगी कंटेंट इस वाले एरिया के लिए कंटेंट डॉट एच टी और नेम इसका सेट कर देते हैं हम कंटेंट तो एक फ्रेम हमने बनाया मेन्यू के लिए और एक फ्रेम हमने बनाया कंटेंट के लिए नाउ क्लोज द फ्रेम सेट सो दिस पर्टिकुलर वेब पेज इज नाउ रेडी

सपोज ए एच रेफ इज इक्वल टू जीमेल डॉट कॉम एंड द टारगेट इज टारगेट का मतलब है आप कहाँ पे उसको ओपन करना चाहते हो अब देखिये टारगेट मुझे कहाँ पे कंटेंट वाले पेज में तो टारगेट में मैं क्या दूंगा कंटेंट तो टारगेट इज इक्वल टू कंटेंट Now give the name of this anchor tag that is Gmail. Similarly create one more. Ahref is equals to Yahoo.com target will be same as content. देन क्लोज द बॉडी टैग तो अब क्या होगा मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको यहाँ पे दो हाइपर लिंक्स दिखेंगे एक होगा जी और एक होगा याहू और दोनों पे क्लिक होने पे हमने एक एक एड्रेस दिया है कि अगर जी पे क्लिक होगा तो जी मेल खुलेगा टारगेट कहाँ कहाँ पे खुलेगा कंटेंट के एरिया में देट मीन्स इधर यहाँ पे खुलेगा अब कंटेंट डॉट एच का भी पार्ट लिख लेते हैं इसको भी हम सीधा बॉडी से ही लिखना शुरू कर रहे हैं इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो सिर्फ बॉडी के अंदर आप कुछ भी ना लिखो क्योंकि इसकी जो बॉडी का कंटेंट है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा हाइपर ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते तो आप कुछ नहीं लिखिए ब्लैंक छोड़ दीजिए अगर आप ऊपर लिखना चाहते हैं कंटेंट एरिया तो आप यहां पे हेडिंग टैग के अंदर इसको लिख सकते हैं कंटेंट एरिया एंड सो ऑन सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ नेविगेशनल मेन्यू यूजिंग एच टी एम एल फ्रेम्स थैंक यू फॉर द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन वेब टेक्नोलॉजी एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स थैंक यू